मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस भव्य आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ और आयोजकों को हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी, जो 8 बार बैडमिंटन के राष्ट्रीय चैंपियन, राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण विजेता रहे हैं, उनकी स्मृति में 1991 से उत्तर प्रदेश में जो शुरुआत हुई थी बैडमिंटन चैंपियनशिप की, वह केडी सिंह बाबू स्टेडियम से इसका शुभारंभ हुआ था। 2004 में इस चैंपियनशिप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई और बाद में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा इस टूर्नामेंट का स्तर बढ़ाकर ट्रॉफी बोर्ड कर दिया गया। तो प्राइज मनी 1.5 लाख US डॉलर भी कर दी गई। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा इस प्रतियोगिता को वर्ल्ड टूर सुपर 300 का भी दर्जा दिया गया। वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा इसकी प्राइज मनी 2,10,000 US डॉलर
यानी लगभग 1,75,00,000 रुपए निर्धारित की गई है और मुझे बताया गया है कि प्रतियोगिता में दुनिया के लगभग सभी शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस हजारों की संख्या में खेल प्रेमी इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए इस अवसर पर, इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर, इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी खेल प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का बैडमिंटन का एक अच्छा हमें केंद्र मिले, उसके प्रशिक्षण का भी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को जहां संपन्न किया जा सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अखिलेश दास जी ने इसकी शुरुआत की और 10 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ यह पूरा केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर आज बैडमिंटन के खिलाड़ियों के लिए न केवल प्रशिक्षण का बल्कि किसी भी प्रकार के नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप का एक नया केंद्र बिंदु बना है। इस अवसर पर मैं डॉक्टर अखिलेश दास जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर नए भारत में खेलकूद की गतिविधियों ने एक नई गति पकड़ी है। खेलो इंडिया खेलों के अभियान को गति देने के बाद फिट इंडिया मूवमेंट हो, ग्रामीण स्तर पर सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, पूरे देश के अंदर इसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं और आज उसी का परिणाम है ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी पहले की तुलना में कई गुना अधिक मेडल प्राप्त करते हैं और अभी हाल ही में एशियन गेम्स में हमने भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा है। पहली बार एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 100 का आंकड़ा पार किया और पैरालंपिक में भी हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक मेडल देश के लिए जीते हैं। स्वाभाविक रूप से देश के अंदर गतिविधियां आगे बढ़ेंगी तो प्रदेश उससे कैसे अपने आप को अलग कर सकता है। एशियन गेम्स में चमत्कार आपने देखा होगा, देश की आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन जब मेडल की बात आई तो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में 25% जो मेडल है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने ही जीते हैं। इस अवसर पर यह वर्ल्ड चैंपियनशिप की बैडमिंटन की प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक नया मंच भी प्रदान कर रहा है। जो भी प्रतिभागी इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं उनके प्रति और इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, खेल और खेलकूद की गतिविधियों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार का जो सकारात्मक रुख है वो हमारे खिलाड़ियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म भी है और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें हर संभव सहयोग देने के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त करने के लिए भी इस आयोजन में आया हूं। मुझे आने में काफी लेट हुई, आज से हमारा शीतकालीन सत्र विधानसभा का प्रारंभ हुआ है। शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम में रहने के कारण विधानसभा सत्र के बीच से मुझे यहां पे आना पड़ा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं, आगंतुक सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं और आप सभी उपस्थित खेल प्रेमियों का भी हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। और अब हम
चेयरमैन उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ श्री विराज सागर दास जी से अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें और उनके प्रति अपने उद्बोधन से आभार भी व्यक्त करें। श्री विराज सागर दास जी से अनुरोध है कि वो मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करें। नमस्ते। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, गृह सचिव श्री संजय प्रसाद जी, खेल सचिव श्री सुहास अलवाई जी, उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के प्रेसिडेंट श्री नवनीत सहगल जी, बीबीडी ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती अलका दास गुप्ता जी, अदिति सिंह जी, यहाँ पे आए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सभी ऑफिशियल्स, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के मेरे सभी साथी, यहाँ मौजूद सभी खेल प्रेमी, मीडिया बंधु और हम सबके शान हमारे प्रिय खिलाड़ी, आप सबका सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज का ये टूर्नामेंट का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। यह खुशी इसलिए तो है ही कि इस आयोजन की शुरुआत राज्य के मुखिया के हाथों हो रहा है, पर इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में खेलों का एक नया इतिहास रचा जा रहा है। खिलाड़ियों का जिस प्रकार उत्साहवर्धन हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इस वर्ष अकेले ही उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, एशियन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, मोटो जीपी और क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे कई सफल खेलों का आयोजन हुआ है। आप सबको यह जानकर भी खुशी होगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाए जा रहे हैं, साथ ही ब्लॉक स्तर पे मिनी स्टेडियम्स का काम भी चल रहा है और मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई है। आपने ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स व